अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्लिक फूड किचन। तो क्या हाल है आप सबका। तो आज हम आए हुए हैं थोड़ी सी इन्जॉयमेंट करने के लिए। यहाँ पे हम अपना किचन का खाना भी बनाएंगे, तो हमने कहा साथ साथ व्लॉगिंग भी हो जाए। तो सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे होंगे। ठंड तो इतनी है नहीं, बट यहाँ बहुत ठंड है। तो यहाँ बच्चे खिला रहे हैं, सीकरों को खाना खिला रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, ये मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है और ख़ूबसूरत सभी हो रहा है। तो चलते हैं, चाय बनाते हैं। और चाय बनाते हुए मैं बस, चाय भी हमारा रेडी हो चुका है। चाय में हमने पत्ती और चीनी ऐड कर दिया है और 5 मिनट में चाय हमारा रेडी हो गया है। देखिएगा, चाय बिल्कुल रेडी हो गया है। तो थोड़ा फास्ट फास्ट दिखा रही हूँ, तो चाय एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही तकरीबन 12 से 12:30 हो गए, इसमें हम लाइव बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। साथ हमारा शेफ़ गया हुआ था, तो वो शेफ़ हमारे घर में ही होता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाता है वो। तो उसने कहा कि हम इन्जॉय भी कर लेंगे, साथ ही साथ हम लाइव बिरयानी भी पका लेंगे। तो लाइव हम चिकन बिरयानी पका रहे हैं। तो ये देखिएगा, गोश्त और आलू हमने साथ ही मिक्स कर दिया है, मसाले सारे ऐड कर दिए। इसको पसाव करेंगे अभी हम। बिरयानी के पसाव के लिए हमने पहले से ही टमाटर और इसमें कुछ मसाले ऐड करके इसको मिक्स करके रख दिए थे, ताकि आसानी हो जाए। तो ये देखिएगा, ये हमने पहले से मिक्स करके रखा हुआ था। और इसके बाद हमारा गोश्त और आलू और जो है बिरयानी का जो मसाला है वो पक चुका है। साथ ही साथ हम चावल को बॉईल कर लेते हैं, पहले से भिगोया हुआ था चावल। ये रहा, 1 घंटे पहले चावल को भिगो के रख दिया था और इसको हम बॉईल कर लेंगे अभी। तो ठीक है, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें नमक ऐड कर दिया है। जब तक के पानी गर्म होता है तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे शायद पानी की तरफ एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो मेमा, भाई के साथ, भाई का हाथ पकड़ो, भाई का हाथ पकड़ो, जा रहे हैं हम। बाय बाय, भाई का हाथ पकड़ लो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसे तो महरमा पानी से बहुत ज़्यादा डरती है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती पानी में लेकर आई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर अगर ये बैठे ना तो थोड़ा इसका डर ख़त्म हो। तो पत्थर मैंने नीचे से इसको निकाल के दिए, मैंने इसको कहा इसको पानी में फेंको, तो ये इन्जॉय कर रही है, इसको मज़ा आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसका डर जो है ना वो पानी से ख़त्म हो रहा था, वह पानी में जाना नहीं चाहती है। चलें, जब तक के हमारा चावल भी बॉयल हो चुका है, अब हम बिरयानी में इसको, इसके चावल को ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, चावल हमारा उबल चुका था और साथ ही साथ हमने जो पहले से मसाला बनाया हुआ था इसके ऊपर हमने चावल को ऐड कर दिया है बिरयानी के लिए। तो वैसे ही हम शेफ़ का मजाक उड़ा रहे थे कि इस दफ़ा हमने, हमें जो है ना अच्छा खाना आप नहीं खिलाओगे, बट खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। और जाहिर है शेफ़ है तो खाना अच्छा हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना अच्छा ना हो। तो जस्ट हम चिल कर रहे थे। वैसे तो हम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए आए थे, बट साथ ही साथ हमने कहा कि खाने की व्लॉगिंग भी कर ले। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब चीज़ें आपको मिल जाएगी कि ये किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की थी। तो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और इस तरह की मज़े मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था प्रीवियस वीडियो पे कि मैं मज़े मज़े की जो है खाने की चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, नई नई चीज़ें लाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो जज़ाकल्लाहु खैर, आप लोग हमेशा खुश रहिए। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी, होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।